हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 5,585 पोस्ट के रिगार्डिंग दोस्तों लगातार उम्मीदवारों की चिंतित हैं कि आखिर इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी विलंब क्यों हो गई, क्योंकि नोटिफिकेशन डेट से बहुत ही जल्द दोस्तों आप सभी के फॉर्म फिलअप कराए गए थे और फाइनली दोस्तों अधिकारियों द्वारा यहां पर विज्ञापन के अंदर, यहां पर न्यूज़पेपर के अंदर विज्ञापन भी यह दे दिया गया था कि जो आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 12 से 16 फरवरी के बीच में करा ली जाएगी। तो आखिर रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा क्यों नहीं किया गया, आखिर क्या वजह थी? तो फाइनली दोस्तों जो अपडेट आ रहा है आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकारियों ने इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए शॉकिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके अंदर दो तरह के उम्मीदवार जो हैं लगातार जो हैं फाइट कर रहे हैं, या आप सभी के लिए लगातार कहें तो ये कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे 20-30% उम्मीदवार ऐसे हैं सर्वर इशू के कारण या कि कोई टेक्निकल इशू के कारण वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं। और आपने भी यह गड़बड़ी देखी होगी, अगर फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आप सभी को कैफ़े या नेट या अपने मोबाइल पर काफ़ी लंबे समय तक बैठना पड़ा होगा इसके सर्वर इशू को लेकर, जिसके कारण यहाँ पर जो आप सभी की जो है तब फॉर्म जो है फिल कर पाए होंगे। पर दोस्तों उसके बाद भी उम्मीदवारों की एक राय थी और इसको लेकर आप ट्विटर पर भी देखे होंगे थोड़े मोड़े उम्मीदवारों ने भी इन चीज़ों को बढ़ावा दिया था कि एक बार फिर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो फॉर्म है वो रीओपन होनी चाहिए, डेट एक्सटेंड करनी चाहिए फॉर्म की। पर दोस्तों UPNSM डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और फाइनली जो डेट है वो सबमिट कर दी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 12 से फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक होगी। पर दोस्तों 12 से 16 के बीच में तो कुछ अपडेट नहीं आई, पर अब दोस्तों अधिकारियों का क्या कहना है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग विभाग में मैंने कॉल किया और कॉल के माध्यम से क्या अपडेट निकला है SMS को लेकर, कॉल को लेकर जो उम्मीदवारों तक फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उनके फॉरवर्ड कर उन्हें यह आगरा यह उन्हें यहां पर यह किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस समय से है, आपको यहां पर आना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या है वो सारी चीज़ जो जानकारी है वो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में दोस्तों देने वाला हूं। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला अब लास्ट अपडेट है 2 फरवरी का दोस्तों, यहां पर 2 फरवरी के बाद आप सभी को रिक्रूटमेंट की अपडेट जो मिली थी वो 29 तारीख को यहां पर मिली थी। आप 26 या 27 तारीख को विज्ञापन जारी हुई थी, पर दोस्तों 29 तारीख को फाइनली जो है नोटिस जारी कर दी गई थी। पर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर क्या है दोस्तों, पूरी कॉल की जो अपडेट है हमने अपने टेलीग्राम चैनल StudyZone/ पर एडिट भी डाल दिया है, वहां से जाकर पूरी कॉल हिस्ट्री को आप भी सुन सकते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं अधिकारियों का क्या कहना है। सबसे पहले दोस्तों उम्मीदवारों के कमेंट भी आ रहे थे, सर आज 13 हो गया, 14 हो गया या 15-16 हो गया, पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रही है इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। हम बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि जिस तरह से फॉर्म की प्रोसेस को पूरा किया गया NHM डिपार्टमेंट द्वारा इतनी जल्दी, उसी तरह से इस वैकेंसी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो आखिर किस वजह के कारण इस वैकेंसी में इतना डिले हो रहा है, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिले हो रहा है, क्या फरवरी तक इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह भी उम्मीदवारों के मन में एक सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आप सभी को राय बता देता हूँ कि हमने जब कॉल किया जो हेल्पलाइन डेस्क है उस पर कॉल करने के बाद उनके तरफ से यह बताया गया है कि हमारे पास भी कुछ ऐसे आर्टिकल जो है वो मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू उम्मीदवारों द्वारा यह अपडेट किया गया है। पर दोस्तों अभी तक जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस बात को लेकर उस विज्ञापन के अंदर जो भी नोटिस दी गई है, पहले तो ऐसी कोई भी विज्ञापन जो है वो अनऑफिशियली कंडीशन में मानी जाती है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी आर्टिकल आता है उस आर्टिकल पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है, एक संभावना बताई जा रही थी कि इस समय तक कराया जाएगा। पर दोस्तों इसको रिगार्डिंग NHM डिपार्टमेंट के अंदर आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट या कोई भी इसके रिगार्डिंग मीटिंग अभी तक जो है प्रोसेस के अंदर दोस्तों नहीं चली है इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली आप यह समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो अभी तक आने की तो इसमें कोई भी संभावना नहीं है। पर दोस्तों उनके तरफ से यह बताया गया है कि यह वेरिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द अपने निर्धारित समय से कराने की बातें जो हैं वो हो सकती हैं। दोस्तों कैसे हो सकती हैं वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। उन्हें कहना है कि अभी बीच इसके एक रिगार्डिंग एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के संभावना में
उस मीटिंग के संभावना में जो है आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा की जाएगी, और उस चर्चा को होने के बाद जो है आप सभी की जो प्रोसेस है उसे यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो आप ये सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है अभी इसके रिगार्डिंग जो आयोग में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं चल रही है, और इन्फॉर्मेशन चलने के बाद दोस्तों जो है आप सभी की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। तो उनके एक लमसम दोस्तों जो अनऑफिशियली कहने का मतलब ये था कि अभी फरवरी तक इसके रिगार्डिंग कोई मीटिंग होगी और मार्च में आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो यानी कि किसी भी टर्म एंड कंडीशन में अगर यह देखा जाए तो फरवरी के अंदर किसी भी तरह का पॉसिबिलिटी नहीं है या मेल या मैसेज उम्मीदवारों तक नहीं पहुँचेंगे। हाँ, फरवरी के पहले वीक तक जो है आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसे चालू कर दिया जाएगा और उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उनका कहने का अभी ही मतलब है कि इसकी रिगार्डिंग एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद ही कोई भी स्पष्ट निर्णय आप सभी को यहाँ पर जो है लेटर के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही थी, हमारी टीम जो है इस पर लगी हुई है, इसकी निकल रही। जैसे ही कोई नई ऑफिशियली अपडेट आती है, ऑथेंटिक अपडेट आती है, तो आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।